क्योटो स्टेशन एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का। इस स्टेशन में भी बहुत सारे सुवेनियर शॉप्स है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट और यहाँ पर स्टेशन के अंदर स्टारबक्स। हम लेने वाले हैं ये हाची जो एग्जिट, सही बनाया है इन लोगों ने। अब हम क्योटो को एक्सप्लोर करेंगे। जो भी कल रात को 4 घंटे की नींद हुई थी वो रियलाइज ही नहीं हो रहा है, इतना एक्साइटेड हो। क्योटो सिटी, स्वागत है आप सभी का। क्या शहर है यार, अब ये टोक्यो से और भी ज्यादा अलग दिख रहा है। सुंदर वेदर है यहाँ पे, एक तो नीले आसमान, यहाँ पर पुलिस थोड़े से ज्यादा दिख रहा है, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट लग रही है यहाँ पे। अच्छा है कि स्टेशन और हॉस्टल के ठीक बीचों बीच एक 7-Eleven है, उनकी हमेशा जरूरत पड़ती है। ये देखो एक और शिंकानसन जा रही है। वेदर तो बहुत ही अच्छा है यार आज। जब वेदर अच्छा होता है तो मेरा मूड भी अच्छा होता है। गाइस ये देखो, ये है मेन रोड, हमें ये पतली सी गली लेके फिर हमारे हॉस्टल तक जाना है। सुंदर सा नेबरहुड है एकदम। ये देखो यार क्या दिख गया, वेंडिंग मशीन। तो गाइस क्योटो में अगले कुछ दिनों के लिए ये है हमारा घर, ये है पीस हॉस्टल क्योटो। ये इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है, बाहर 2 बेंचेस है और एक बहुत ही शांत से नेबरहुड में है। और पता है मैंने जानबूझ के ऐसे हॉस्टल्स बुक किए जो स्टेशन से बहुत ही पास हो। ये हॉस्टल और टोक्यो का हॉस्टल दोनों सिर्फ 300-400 मीटर दूर थे, सो वॉकिंग डिस्टेंस से हम स्टेशन पहुंच सकते हैं। हॉस्टल बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर बाहर बैठने के लिए जगह है, थोड़े से कॉफी मशीन्स। ये पूरी इनकी डाइनिंग एरिया लग रही है, वहाँ सामने एक कॉमन किचन, यहाँ भी किचन। एक अच्छी चीज है कि यहाँ से बहुत नेचुरल सनलाइट आ रही है। फिर मेन एरिया में इन्होंने एक बहुत बड़ा क्योटो का मैप लगाया है, और ये है मेन सीटिंग एरिया, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर है रिसेप्शन, चाय, लवली। मतलब टोक्यो वाला जो हॉस्टल था वो इसके कंपैरिजन में कुछ नहीं था, ये मैंने ऑनेस्टली खुद एक्सपेक्ट नहीं किया। और ये भी कितना अच्छा है, यहाँ पर वीडियोस एडिट करने के लिए स्पेस है मेरे लिए। आपको टोक्यो वीडियोस की वजह से पता चल गया है, मैं उस कॉमन रूम में बैठ के ऐसे छोटे से कुर्सी में बैठ के एडिट करता था। पर यार यही मेन डिफरेंस है, टोक्यो में स्पेस का एक बहुत ही बड़ा इशू होने की वजह से सारे हॉस्टल्स और होटल्स बहुत ही छोटे होते हैं। वो एडवांटेज हमें क्योटो में मिलता है। इस हॉस्टल की एक और अच्छी चीज है कि इनके पास फ्री रेंटल बाइक सर्विस है। तो हम क्योटो सिटी जब एक्सप्लोर करेंगे साइकिल से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टोक्यो में इतना चलने की वजह से हमारे पैरों की वाट लग गई थी, तो ये हमारे पैरों को एक काफी अच्छा ब्रेक देगा। यहाँ का 7-Eleven भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एक न्यूज़पेपर स्टैंड दिख गया, हम घर वापस लेके जाने के लिए एक न्यूज़पेपर लेके जाने वाले हैं, इससे मेरे N1 के पढ़ाई में भी मदद होगी। इस 7-Eleven में कॉमिक्स भी है, बहुत ही मस्त है यार। यहाँ पर आई थिंक एक सीटिंग एरिया है, और इन जनरल इनके पास मील्स की वैरायटी ज्यादा है। आप सबको इस पॉइंट पे ड्रिल समझ में आ गया। एक हॉट कॉफी, अभी तक हमने कोई कैफीन कंज्यूम नहीं किया यार। यहाँ न्यूज़पेपर 200 येन का मिला, काफी महंगा है, पर ये मेरे स्टडी मटेरियल के लिए है इसीलिए ज्यादा सोचा नहीं। अभी हम यहाँ पर बैठ के करेंगे एडिटिंग। तो गाइज एडिटिंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं क्योटो एक्सप्लोर करने के लिए। एक चीज मैं बताना भूल गया, हमारा चेक इन टाइम 4 PM है, इसीलिए उसके पहले उन्होंने मुझे ये टोकन दिया और हमारी जो नीली सूटकेस है वो उन्होंने वहां पर रख दिया। थोड़ा बहुत घूमने के बाद हम वापस आके चेक इन करेंगे, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत टेस्टी है। तो गाइज मस्त ब्रेकफास्ट हो गया है, मैंने चिकन कटलेट सैंडविच ऑर्डर किया, और यहाँ 7-Eleven पे अगर आप कुछ खाने के लिए मंगाते हो ये टिश्यू भी देते हैं, जो बहुत कन्वीनियंट है। चलो भाई निकलते हैं इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। हम आ गए हैं वापस क्योटो स्टेशन, टिकट मिल गया है, क्योटो रेलवे का पहला एक्सपीरियंस। तो ये आपको 542 ये सारे नंबर्स दिख रहा है, हमें जाना है 31 तक। ये देखो स्टेशन के अंदर भी 7-Eleven, ट्रेन निकलती है 2 मिनट में, मुझे नहीं लगता हम पहुंचेंगे। हमारी ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म 32 पे, भागो भाई भागो। हमने पहली बार ट्रेन की जो केबिन होती है उसके अंदर कैसे होता है वो देखा। स्वागत है आप सभी का सागा अराशियामा स्टेशन। ये था हमारा पहला क्योटो ट्रेन एक्सपीरियंस। तो टोक्यो के ट्रेन्स में और क्योटो के ट्रेन्स में मुझे एक मेजर डिफरेंस दिखता है, वो है कि टोक्यो के ट्रेन्स बहुत ही ज्यादा मॉडर्न रहते हैं, ट्रेन के अंदर बहुत सारे LCD डिस्प्लेस, फैंसी फैंसी एडवर्टाइजमेंट्स। पर दूसरे हाथ पे क्योटो थोड़ा सा ज्यादा ओल्ड फैशन है, पर काफी क्लासी और ओल्ड स्कूल भी। पर क्योटो की जो ब्यूटी है वो इन इट्स ओन वे बहुत अलग है। यहाँ पर भी एक 7-Eleven है, और ये देखो स्टेशन के जस्ट बाहर कुछ इस प्रकार का व्यू, ये है अराशियामा स्टेशन बाहर से। आई एम श्योर आपको आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर लोग आई थिंक बहुत सिंपल जीते हैं, घर भी देखो
इतने सिंपल से, शान से। सो वहां पर है अराशियामा स्टेशन और ये हमारा इस पूरे जापान ट्रिप का पहला रेलवे क्रॉसिंग है। इसे लोग फूमी किरी कहते हैं जापानीज में। ये कितना कूल है यार, मुझे हमेशा से देखना था। सो जब भी ट्रेन आएगी ये दो बैरिकेड्स बंद होंगे। मस्त है यार, इतना पीस है यहाँ पे, पीस और शांति बहुत ही ज्यादा है। ये देखो आप सबको एक लाइव एक्सपीरियंस, ये दोनों गेट्स बंद हुए, अब इस डायरेक्शन में ट्रेन आएगी। यहाँ पर भी बोर्ड्स और एक इमरजेंसी बटन है। ये देखो ट्रेन आ गई। मुझे बचपन में भी ये बहुत फैसिनेटिंग लगता था, आज भी। ऑन द वे ये श्राइन दिख गई। श्राइन है कि टेम्पल है पता नहीं, पर बहुत पीसफुल है। यहाँ फिलहाल तो गर्मी में काफी वाट लग गई है, 34 डिग्रीज है। ये देखो पसीना देखो। ये शायद एक मेन स्ट्रीट है, टूरिस्ट काफी दिख रहे हैं, शॉप्स बहुत ही ज्यादा है, एक ट्रक भी है जो फूड सेल करता है। यस हम ऑन द वे है। यहाँ पर देखो टूरिस्ट कितने जमा हो गए, स्ट्रीट फूड अपॉर्चुनिटीज बहुत है। ओके हम पहुंच गए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन पे। ये है अराशियामा बैम्बू फॉरेस्ट, बहुत ही फेमस है, जेक पॉल लोगन पॉल आपको पता है। अभी हम अंदर जाके इसे एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ एक अच्छा फोटो स्पॉट है, ये जापान का सबसे फेमस बैम्बू फॉरेस्ट है। ये आंखों से जितना सुंदर दिख रहा है उतना वीडियो में नहीं आने वाला, बहुत ही अनरियल है। यहाँ आई थिंक एक सेमेटरी है। इस जगह की कितनी भी तारीफ कर लो कम है। बहुत सारे नेटिव जापानीज लड़कियां यहाँ पर किमोनो पहन के आती है, कल्चर को थोड़ा सा ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। मैंने आई थिंक पिछले वीडियो में भी कहा था नेचर को एंजॉय करने के लिए जापान जैसी जगह बिल्कुल नहीं है। ओके हम पहुंच गए हैं मेन एंट्रेंस तक। कितना डेंस लग रहा है देखो, डेंस मिस्टीरियस, कोई शब्द ही नहीं है। माय गॉड, स्टेशन है रानदन अराशियामा स्टेशन, जहाँ पर ऐसे छोटी ट्रेन चलती है जिसमें सिर्फ दो बोगी है। ये देखो ये है बोगी नंबर वन, वहाँ पर है बोगी नंबर टू। हम जिस स्टेशन पे उतरे थे उसका नाम है सागा अराशियामा स्टेशन, और अगर आपको क्योटो तक वापस जाना है आपको वो वाले स्टेशन पे जाना पड़ेगा। मैंने अभी आपको जो स्टेशन दिखाया था वो मेरे लेफ्ट साइड पे है, और वहां से एकदम सीधा एक सुंदर सा रास्ता जाता है, तो हम इस रास्ते का पीछा करते करते हमारे मेन स्टेशन तक पहुंचेंगे। ये जो दूसरा वाला स्टेशन है वो सीधा फॉरेस्ट के अंदर जाता है। एक और बार हम इस फूमीगिरी को क्रॉस करेंगे। गाइस सो फार मुझे क्योटो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। ये देखो क्या दिख गया, रिक्शा कैफे, घर की याद आ गई एकदम। इनके पास माचा आइसक्रीम है, ये है इनका फेमस माचा आइसक्रीम। यहाँ जापान में बाय द वे खाते खाते चलना बहुत अनएथिकल माना जाता है, तो एक जगह पे बैठो, यूजुअली शॉप्स के बाहर ऐसे सीट्स होंगे, बैठ के मस्त खाओ फिर चलो। वेलकम बैक गाइस, हम क्योटो स्टेशन पहुंच गए हैं। ये स्टेशन मुझे काफी पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, पर इस स्टेशन से CSMT की बहुत याद आती है। तो गाइस अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं, हमारा चेक इन टाइम 4 बजे है, इसीलिए आई एम होपिंग कि जब हम होटल पहुंचते हैं हमारी रूम रेडी होगी। यार ऐसे बड़े स्टेशन पे मुझे एग्जिट का बड़ा कंफ्यूजन होता है, सेंट्रल एग्जिट, वेस्ट एग्जिट, अंडरग्राउंड एग्जिट, इतने सारे हैं। क्योटो स्टेशन का सेंट्रल एग्जिट कुछ ऐसे दिखता है, बहुत ही सुंदर बनाया है। क्योटो स्टेशन के सेंट्रल एग्जिट के ठीक सामने है ये बहुत ही बड़ा क्योटो टावर होटल, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है क्योटो स्टेशन की मेन बिल्डिंग, बहुत ही अच्छी है, यहाँ से सारी शिंकानसेन लाइन्स, सेंट्रल लाइन्स निकलते हैं। ये देखो इन्होंने कितना मस्त बनाया। यार हमने गलती कर दी सेंट्रल एग्जिट से बाहर पड़ने की वजह से, अभी हमें काफी लंबा रास्ता लेके हॉस्टल पहुंचना पड़ेगा। जिस एंट्रेंस से हमने ये स्टेशन एंटर किया वो था वेस्ट एंट्रेंस, तो अब ये मुझे अगले कुछ दिनों के लिए याद रखना है, वेस्ट एंट्रेंस। हम अभी वहां से चल के आए, आज का वेदर कुछ और ही है यार। अभी हम इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, ब्रिज के दोनों ओर ट्रेन ट्रैक्स है, ऑल द वे वहां पर है क्योटो स्टेशन। हम जब बचपन में जापान में रहते थे मैं ऐसे ही शिंजुकू के ब्रिज के ऊपर खड़ा रहता था और ट्रेन देखता था। यहाँ देखो शिंकानसेन का सेपरेट ट्रैक और यहाँ से सारी लोकल लाइंस जाते हैं। ये देखो ट्रेन जा रही है, इतना सैटिस्फाइंग लगता है, मैं पता है पूरा दिन यहाँ पर बिता सकता हूँ। एक और शिंकानसेन गाइस, व्हाट अ डे, वाओ। ओके 7-Eleven से हमने थोड़ा सा खाना उठा लिया है, चेक इन हो गया है कंप्लीट, हमारी रूम है दूसरे फ्लोर पे, रूम नहीं हमारा बेड क्योंकि ये भी एक हॉस्टल है। सो गाइस ये है फ्लोर, वहाँ पर है प्राइवेट रूम्स, यहाँ से मस्त व्यू दिखता है, और वो 2D3 वो है हमारे डॉर्मेटरी का एंट्रेंस, D stands for dorm, काफी अच्छा है। ये
मैंने आकिया बारा से जो अडेप्टर खरीदा था वो अपेरेंटली अब मेरे मैकबुक को सपोर्ट नहीं कर रहा। लकीली होटल के रिसेप्शन पे इनके पास एक अडेप्टर रेंटल सर्विस है, तो 500 येन का डिपॉजिट भरने के बाद अब हम अच्छे से हमारे मैकबुक को चार्ज कर पाएंगे। प्री वर्कआउट मील के लिए हम ये 7-11 का सैंडविच खाएंगे। ये बेसिकली चिकन कटलेट का एक सैंडविच है। और इवन दो अभी शाम हो गई है और हम काफी थके हुए हैं, हमने यहाँ पर जिम आउटफिट में हम नहा धोकर रेडी हो गए हैं। हम आज जापान में हमारा पहला ट्रेनिंग सेशन लगाने के लिए जा रहे हैं। रिसेप्शन पे जो बैठते हैं, मैंने आते आते उनको पूछा कि क्या इस हॉस्टल में एक जिम है, उन्होंने नहीं कहा। फिर मैंने पूछा कि अगर आजू बाजू में कोई अच्छा जिम होगा तो प्लीज मुझे बता देना। एंड गुड न्यूज, क्योतो स्टेशन से एक स्टॉप दूर गोल्ड्स जिम है। प्री वर्कआउट मील के लिए मैंने 7-11 से दो चीजें उठाई, एक चिकन कटलेट सैंडविच और एक चिकन चीज एंड लेटस सैंडविच। 7-11 के सारे प्रोडक्ट्स का एडवांटेज है कि इन पे कैलोरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इन दोनों सैंडविचेस से मुझे लगभग 900 कैलोरीज मिले। हम निकल पड़े हैं गाइस। मैंने बहुत लिमिटेड चीजें कैरी किया, मैं ये देखने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि यहाँ जापान में जिम्स का स्टैंडर्ड क्या होता है। मुझे ये पता है कि जापान में लोग जिम विम ज्यादा नहीं करते, इंडिया में कंपैरेटिवली जिम का क्रेज थोड़ा सा ज्यादा है। अभी हम आ गए हैं क्योतो स्टेशन। सो हम अराशियामा जाते वक्त जो ट्रेन लेके गए थे, हमें वही सेम लाइन लेके जानी है। यहाँ प्लेटफॉर्म 32 या 33 पे हमारी ट्रेन आएगी। टिकट हमने ले लिया है, लेट्स गो। तो गाइज हमें नीजो स्टेशन पे उतरना है, सनसेट होने वाला है जल्दी। ये देखो कितनी मस्त ट्रेन है, हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म 31 पे आ रही है। तो गाइज करेक्शन, हमारी ट्रेन आइदर 32 या 33 पे आ रही है। ये जो 31 वाली ट्रेन है ये एक लिमिटेड एक्सप्रेस है और इसका टिकट ऑलमोस्ट 1000 येन से ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम इंतजार करेंगे यहाँ पर, ये फुकुचियामा लिखा है ना, वहाँ पर हमारी ट्रेन आएगी, ये वाली 33। ट्रेन आने के लिए अभी 20 मिनट है, पर ठीक है क्योंकि ये एक ही स्टेशन दूर है, तो हम 4 मिनट में गोल्ड्स जिम तक पहुँचेंगे। ट्रेन हमने बोर्ड की है। जापान के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पर ट्रेन कभी लेट नहीं होते। अगर 5:39 डिपार्चर लिखा है तो ट्रेन 5:39 को ही निकलेगी। आज की ट्रेन थोड़ी सी लेट हुई, बाय थोड़ी सी 5:40 को निकली। और ट्रेन के अंदर इन्होंने एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बनाए कि सॉरी कि ट्रेन लेट हुई। इनके कल्चर में टाइम पे आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर निजो स्टेशन पे आप सबका स्वागत है, वहाँ पर मेरे ठीक सामने है गोल्ड्स जिम, जाके चेकआउट करते हैं। सो हम स्टेशन के बाहर निकल गए हैं और यहाँ पर आई थिंक 2-3 जिम्स है, ये शायद एक मॉल लग रहा है। और यहाँ की गोल्ड्स जिम 24 आवर्स ओपन है बाय द वे। गाइस हमें एंट्रेंस मिल गया है सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पर गोल्ड्स जिम। ओके देन, चेकआउट करते हैं। और इनको ये भी पूछना है कि एक डे पास की कीमत कितनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास मेंबरशिप नहीं है। तो डेली पास ले लिया है, यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्म भरने को दिया। सेकेंड लास्ट ट्रेन थी गाइस, भागना पड़ा गोल्ड्स जिम से, एटलीस्ट हम ये ट्रेन पकड़ पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर्म वो सब भरने के बाद जब मैं पहला सेट रिकॉर्ड करने के लिए गया, तब वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने कहा कि रिकॉर्डिंग अंदर अलाउड नहीं है। इनफैक्ट जापान के जिम्स में फ्लोर पे मोबाइल फ़ोन कैरी करना भी अलाउड नहीं है, तो मोबाइल हमें रखना पड़ा लॉकर के अंदर जिसमें हमारी बैग थी। पर नेवरदलेस बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, क्योतो का पहला दिन काफ़ी अच्छा गया। वहाँ पर उनके पास सारे मशीन्स थे, पता है, हैमर स्ट्रेंथ के सारे मशीन्स, ऐसे मशीन्स जो मैंने खुद ट्राई भी नहीं किया है वो भी थे। मे बी हम इन अगले कुछ दिनों में एक ऐसा जिम ढूंढ पाएंगे जहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड होगा, पर चेस्ट और बैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। आज एक्चुअली रग्बी वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसकी वजह से हॉस्टल के सारे लोग उस कॉमन टीवी पे वो देख रहे हैं। चौथी बार सैंडविच और कप रामेन।